जिला दक्षिण मुंबई वार्ड नंबर 6 आज नगर पालिका 8। और आज मैं आप लोग को डीएक्शन क्यों करना है तो वो बताना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज कहना चाहता हूँ कि ये हाथ नहीं है, सितारा है, एम राइट। और आने वाला जो डीएक्शन में है ना वो भक्त हमारा है। डीएक्शन को समझना पड़ेगा, एम राइट। यहाँ पे P2, P3 सब कुछ आ चुका है, सही ना। अगर जो आदमी नया है उसे तो यही मालूम है कि करूं तो करूं क्यों, एम राइट। और कैसे करूं, सही है ना। बहुत आदमी कहते हैं सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ क्यों करूं, बहुत आदमी कहते हैं कि मतलब अपने अपने डाउट में है, बहुत आदमी डाउट में है कि करना क्या है, करूं क्यों, क्यों जरूरत है मुझे इस चीज का, एम राइट। तो जरूरत और कैसे मैं फर्क निकालना चाहता हूँ आप लोगों को। देखिए रूम मालूम है आप लोगों को, ऐसे में बता रहा रूम मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, रूम है ना। मान लीजिए ये रूम है आप लोगों का, एक रूम में कितने आदमी रहते हैं, चार आदमी रहते हैं, ऐसे बेड लगा रहता है ना। हेलो, बेड लगा रहता है तो चार या तो किसी रूम में 10 पहले 20 आदमी रहता था, और एक परिवार में कम से कम 5 आदमी तो रहता है। तो मान लीजिए अब ये रूम है आप लोगों का, तो ये रूम में तो खाना तो बनता होगा, चार आदमी का जरूरत का सामान तो है। तो सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि हर आदमी आज के दौर में गरीब हो और अमीर हो, कोई भी आदमी हो, पेस्ट तो लगाना है जरूरी है, सही है। और साबुन तो जरूरत है, सही है, तेल भी जरूरत है, ये तीन चीज लगाते हैं। अगर हर रूम में ये जरूरत है, हर घर में ये जरूरत है, ये चीज तो जरूरत है, सही है, ये इसके बिना नहीं हो सकता। तो हर रूम और हर मोहल्ले, हर गली, हर चौक पे एक क्या होता है, दुकान, है ना, सही कि नहीं, हर जगह पे दुकान होता है कि नहीं। तो दुकान इसको दुकान ऐसा होता है, सही है। तो ये दुकान हो गया, सही है। हर और हम आज जो कपड़ा पहने हैं या तो मोबाइल खरीदे हैं, कुछ भी खरीदे हैं, तो कहाँ से खरीदे, दुकान से, है ना। दुकान से खरीदे ना, हम राशन हर चीज मतलब दुकान से लेते हैं, ये दाढ़ी शेविंग करने के लेकर हर चीज हम दुकान से खरीदते हैं सर, साबुन और पेस्ट ये चीज भी हम दुकान से खरीदते हैं, सही है। तो पहले हम अगर ये रूम में नया आदमी आ गया, नया बेड आ गया, तो अब उसको तो मालूम नहीं है दुकान कहाँ पे, कौन दिखाता है, आप लोग दिखाते हैं ना। अब मतलब अब यहाँ से कतार से अब बहुत आदमी फर्स्ट टाइम नेपाल जा रहे होंगे, तो उन लोगों को होटल के बारे में नहीं मालूम है, सही ना। पूछते हैं तो कार्ड देते, सही है। हम लोग आते हैं तो कार्ड लेके आते हैं, दूसरे को दे देते, सही ना। चलो और रिएक्शन में करना वही चीज है, हम लोग पहले जो कर रहे हैं वही चीज करना, लेकिन हमें कहते हैं हमें कैसे करें, हम राइट। इसमें नजारे क्या है, हम राइट। अभी किसी के पास रेडमी मोबाइल है, सही ना, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया कैमरा है, बहुत किसी ने चावल लेके आया दुकान से, है ना, चावल बहुत अच्छा लंबा चावल है, सही ना, 100 रियाल में मिल गया। तो रूम वाला क्या बोलता है, कहाँ से लेके आया, मोबाइल कहाँ से लेके आया, सॉफ्ट कहाँ से लिया, सही ना, ये सब्जी कहाँ से लेके आया, ये तरकारी कहाँ से लेके आया, किधर से लेके आया, कौन से मार्केट से लेके आया, ऐसे सवाल पूछते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि फलाने दुकान पे से लेके आया, राइट। तो उसको ये रूम वाला को बोलते हैं यहाँ से लेके आया, सही है, राइट, यहाँ से लेके आया। तो ये सब क्या करता है, अच्छा लगा रहता है तो वहाँ पे जाते हैं, मतलब हम ट्रैफिक को मोड़ रहे, मतलब आदमी लोग को वहाँ पे भेज रहे, सही ना। या तो यहाँ से कार्ड दे देते तो वो लोग जाते हैं नेपाल में होटल में रुकते हैं, सही ना। बिजनेस किसका बना, दुकानदार का, दुकानदार आपको कुछ देता है क्या, एक पैसा का कभी चाय पिलाता है, तो हम भेजते हैं, मतलब बिना पैसे में काम करना मंजूर है, सही है ना। मतलब बिना पैसे में काम करना मंजूर है और कर रहे हैं, जिंदगी भर यही करते आ रहे हैं, सही कि नहीं। ये उम्र तक तो हम लोग यही काम किया कि नहीं किया, पैसा मिला अभी तक, साबुन भी उसी से लिया, ये कभी मान लीजिए कभी बाई चांस मेरे पास पैसा नहीं तो उधार भी नहीं देता, कितना बेइज्जती करता, याद है आप लोगों को, दुकानदार बहुत बेइज्जती कर देता है टाइम पे, हम राइट। तो ऐसे ही चीज से ऐसे ही चक्कर से निकल लेते हैं, वही चीज कर रहा है, बस ये दुकान है, यहाँ पे दुकान जैसा है कि नहीं, साबुन पेस्ट मिलता है, कॉफी वॉफी मिलता है कि नहीं, बस ये आदमी को इधर ये रास्ता बंद कर, सही ना, बस रास्ता बंद करके डीएक्शन, हम राइट, ये दुकान में आदमी को भेज दीजिए, आसान है, कर सकते हैं, बस यही सब।
इसको बस यहाँ नहीं जाना भाई, सही है वहाँ पे, बस यहाँ पे ये फायदा है। फायदा क्या है कि आपको आप एक आपको एक कार्ड मिला रहता है, कार्ड नंबर सबके पास है सही ना, जिस तरह हमारा सिम कार्ड होता है सही ना, तो नंबर को बांटते हैं, तो यही हो गया कि हम सब आदमी को नंबर दे रहे हैं, ये नंबर लेके जाओ वहाँ पे सही है ना, पैसा भी उसको भी मिलेगा आपको भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो अब मान लीजिए वो गया और 100 पीवी बनाया सही है ना, तो अपना हिस्सा वो ले लेगा सही है ना, वो 6% ले लेगा सही है ना, और जो बचेगा आपको मिलेगा सही है ना। मान लीजिए अभी मैं 37 पे हूँ है ना, ये 6 को काट के जो बचेगा तो मेरे को मिलेगा है ना, और यहाँ पे क्या है बस अमीर आ